Hi guys, welcome back with another video on my channel Isha's World. Before starting the today's video, आप सभी से request है अगर आपको मेरी ये video अच्छी लगे तो please इसे like कर देना, मेरे channel को subscribe कर देना and इसे share करना भी मत. So सबसे पहले देख लेते हैं हमें recipe बनाने के लिए क्या क्या चाहिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टुडेज रेसिपी. उसके लिए हमें चाहिए बॉयल्ड चिकपी. हम बना रहे हैं हमस, जो बहुत ही पॉपुलर डिश है. नॉर्मल हमस तो बहुत खाया होगा, पर आज हम जो हमस बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं ऑयल फ्री हमस. जी हाँ, आप उसमें ऑयल नहीं ऐड करेंगे. ना एक सोक किए हुए चिकपीस जिसे हम बॉयल कर लेंगे वो चाहिए. उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 4 to 5 लहसुन की कलियाँ. उसके बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्ची. यस, ग्रीन चिली ये ऑप्शनल है. आप चाहो तो इसे ऐड करना चाहते हो तो कीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं. उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट. सॉल्ट अब आपके अकॉर्डिंगली होगा, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन. इसी में ब्लेंड कर देंगे इसे अच्छे से और थोड़ा सा ऐड करेंगे ऑरेंज जूस. जी हाँ, हम यहाँ पर ऑरेंज जूस ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम बना रहे हैं ऑयल फ्री हमस. बेसिकली हम इसमें ऑयल डलता है, ऑयल डाल के हम उसे ब्लेंड करते हैं. क्योंकि हम बना रहे हैं ऑयल फ्री तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ऑरेंज जूस. मीनवाइल हम इसे एक बार खोल के देख लेंगे और हिला लेंगे और थोड़ा सा इसमें और ऐड कर देंगे ऑरेंज जूस. ये बहुत ही टेस्टी बनता है और हेल्दी बनती है. साइड डिश ले लीजिए, डिपिंग कह लीजिए, इसे आप स्नैक के टाइम पे भी खा सकते हो. आप चाहो तो इसे पीटा ब्रेड के साथ खा सकते हो, ब्रेड स्टिक्स के साथ खा सकते हो, बच्चों को दे सकते हो, बहुत टेस्टी लगेगा उन्हें भी. आप रोल पे लगा के खा सकते हो, रैप पे बना के इसे लगा के खा सकते हो. बहुत तरह खाया जा सकता है इसे. आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए एंड देखिए. हमारी यमी सी डिपिंग रेडी हो चुकी है. इस पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा और ऑरेंज जूस. बेसिकली ऑयल ड्रिजल कहते हैं, मैंने यहाँ पे ऑरेंज जूस किया है. उसके बाद मैं स्प्रिंकल कर दूँगी चिली फ्लेक्स. आप चाहो तो इस पे पेपरिका पाउडर कर सकते हो, काली मिर्च भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हो. एंड दैट्स इट, हमारी यमी सी डिपिंग रेडी है जो कि क्विक एंड ईजी बनती है. घर पर बना के रखिए. काफ़ी हाई प्रोटीन होता है इसमें क्योंकि चिकपीस कंटेन करते हैं हाई प्रोटीन. एंड ये खाने में भी बहुत टेस्टी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए. या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. होप यू लाइक इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.